80 लोग गए कुंभ से, वो सारे के सारे पॉजिटिव निकले। कहीं एक महिला बैंगलोर में गई, उसकी वजह से 33 लोग और आ गए। तो आपने ये प्रचार दुप्रचार जो हो रहा है आपके ऊपर, आपके आंकड़ों पे क्या है कि आंकड़े आपने कहा कि हरिद्वार जो है जहां पर कुंभ हुआ, जहां पर 70 लाख या 40 लाख जितने लोग आए, आप बता सकते हैं कि हरिद्वार में स्थिति, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से लगता है कि जब शुरू हुआ था कुंभ आपका 31 मार्च के और 24 अप्रैल के बीच में, आपके यहाँ 1800% केसेस बढ़े, यानी कि 1863 से 31 मार्च को वो 33,330 हो गए 24 अप्रैल को। तो ये आपको बाकी राष्ट्रीय कंपैरिजन में कहाँ लगता है कि देश में हरिद्वार जहां पर सबसे ज्यादा लोग होने चाहिए थे वहां कितने बढ़े वहां पर? यह कहने में मैं प्रमाण दे सकता हूं, और ये जो कहा जा रहा है ये सरासर गलत है। किसी यानी हरिद्वार से और कोई अन्य अपने शहर तक गया, स्टेट तक गया, उसके बीच में तो आपका एनसीआर पड़ता है, कई शहर पड़ते हैं, तो हम कैसे मान लें कि हरिद्वार से गया तब जाके हुआ? कितने शहरों पार करके वो जाता है और उसके बाद वो अपने शहर में पहुंचा, वो अपने स्टेट में पहुंचा होगा, और उसके बीच में जो स्टेट थे और जो शहर थे वो भयंकर रूप ले चुके थे। आज मैं कहूं कि एनसीआर से भी मेरे यहाँ इस कोविड के समय जो पॉजिटिव होते जा रहे हैं, बड़ी स्थिति उनकी गंभीर है, तो हम उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं आज भी, तो आपका चाहे कहना अन्य मुख्यमंत्री दिल्ली से हो, गाजियाबाद, जगह जगह से। आपका कहना ये कि आपके प्रदेश के अंदर बाहर से जो लोग आए हुए हैं, एडमिट हुए हैं, वो भी केसों की संख्या बढ़ा रहे हैं? आपके प्रदेश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से आके एडमिट हो गए हैं या बीमार हो गए हैं? जी, बिल्कुल। मैंने कहा कि आज भी बाहर से लोग पॉजिटिव होकर के और गंभीर स्थिति में, लगभग नहीं भी होंगे तो 25% मेरे राज्य में आ रहे हैं। मैं उसमें देहरादून कह सकता हूँ, देहरादून के इर्द गिर्द तीन स्टेट, हिमाचल नाहन है बगल में, पोंटा है बगल में, हरियाणा में आपका जगाधरी है, यमुनानगर है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे शहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, उधर हल्द्वानी में जो जाने वाला है तो मुरादाबाद है आपका, ठाकुर द्वारा है, रामपुर है, बरेल, ये बहुत सारी संख्या 25-30% आज भी हमारे यहाँ आ रही है और हम उनका इलाज कर रहे हैं। मानवीय आधार पर हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, कहीं से भी आ जाए उसका इलाज हमको करना, हम अच्छी सेवा दे रहे हैं। नहीं मुख्यमंत्री, आप ये बताइए आज आपके स्टेट में एक्टिव केसेस कितने हैं? आज आज यदि मैं कहूं कि हमारे यहाँ जो स्थिति है एक्टिव केस, हम अपने लोगों के साथ किसी भी बाहर आने वाले का इलाज कर रहे हैं और 7,000 के लगभग ये हमारा एक्टिव केस है आज की डेट पे। मुख्यमंत्री आपने, क्योंकि आपका विश्वास है हिंदुत्व में, सबका है, बीजेपी के नेताओं का भी है, आपका जब मुख्यमंत्री के बनने के बाद एक स्टेटमेंट मैंने अखबार में पढ़ा कितना सच है या नहीं है, कि आपने कहा कि मां गंगा के स्नान करने से ही कोविड खत्म हो जाएगा, इस तरह की स्टेटमेंट आपने, कुंभ इज द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, मां गंगा की ब्लेसिंग से यहाँ कुछ भी फ्लो से कुछ भी नहीं हो सकता, इस तरह का स्टेटमेंट दिया, इसलिए कुंभ हुआ वहां पर, ये कहा था आपने? प्रभु जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है और ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये मेरी तरफ कहीं नहीं कहा गया, कहीं नहीं कहा गया। हमने तो बार बार कहा कि लोग आए स्नान करें, लेकिन नेगेटिव अपनी रिपोर्ट लेकर ही आए। और मैंने कहा ना कि ऐसे 13,000 वाहन हमने बॉर्डर से वापस किए, नहीं, और आपने ये ये मैंने कभी कहीं नहीं कहा नहीं कि, कहा। नहीं मुख्यमंत्री, ये कभी नहीं कहा कि कुंभ के स्नान करने से कोविड ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं नहीं, कहा मैंने आपने? ये मैंने कहीं नहीं कहा, दूर दूर तक नहीं कहा। यदि कहीं हो तो मुझे कोई बताए ना। मैंने मुख्यमंत्री जी आप जब तो बने, केवल नियम दरअसल पालने की बात की है। नहीं, पर मुख्यमंत्री ये लगता नहीं कि कुछ है, बाकी जी आपने कहा कुंभ की डेट पहले से फिक्स हो जाती है, विश्वास है लोगों का इसके अंदर, परंतु जैसे होली आपने नहीं मनाने दी, बाकी त्योहार नहीं मनाने दिए, ईद नहीं मनाने दी, आपको लगता नहीं था कि कुंभ को भी थोड़ा सा आप प्रिवेंट कर देते कि आप छोटे स्टेज पर करिए, इतने बड़े लोगों को बताने दीजिए, ये क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लगता कि हिंदुत्व का पालन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा आरोप है आपके ऊपर मोदी का कि आपको अपने धर्म की बात है, जिंदगी की जान की बात नहीं पसंद? नहीं, हमने ये कहीं नहीं कहा। हमने कहा जान है तो जहान है, और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, माननीय प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए, ये हम कहते रहे, ये दोहराते रहे, नहीं, और मैं नियमों का अब लगता है ऐसा, पालन। जो आप,
आपके विरोधी कहते हैं कुंभ है जहान है, इतना बड़ा वहां पर कुंभ मेला हो गया, मैंने वहां पर देखा, क्या लगता नहीं था कि आपको